हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग देख रहे हैं हमारे मैप मेकिंग की क्लासेस, फटाफट इसको शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ है हमारे पास। और स्टार्ट करने से पहले हमारी कुछ ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, दीज आर द प्रीलिम्स स्पेशल एज वेल एज मेंस स्पेशल। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब अस फॉर टेस्ट सीरीज एंड दीज आर द अवेलेबल टेस्ट सीरीज। तो ये कुछ लोकेशन थी डे 20 के लिए, जहां पर कबल आइलैंड, फिर न्यूमूर आइलैंड, फिर क्रॉस आइलैंड, ऑयस्टर रॉक आइलैंड और काबिल आइलैंड। तो बेसिकली इन कुछ आइलैंड्स के बारे में हम लोगों ने देखा था और ये हमारी पूरी की पूरी आइलैंड लोकेशन थी। फटाफट देखते हैं इनकी लोकेशन और फटाफट इसके फिर डिस्कशन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हमारी है कबल आइलैंड। तो जब आप कबल आइलैंड के बारे में बात करेंगे तो ये बेसिकली आपको मिल जा रही होती है तमिलनाडु के पास में। तो देखिए यहां पर चेन्नई और इस इलाके में आपको मिलेगा कबल, दिस इज कबल आइलैंड। क्लियर हो गया क्या चीज है। नेक्स्ट हमारी न्यूमूर है, तो न्यूमूर आपको बांग्लादेश में मिल रही होती है, तो इस इलाके में आपको मिल जाएगी न्यूमूर आइलैंड, तो दिस इज न्यूमूर। इनफैक्ट ये बांग्लादेश और इंडिया दोनों ही आइलैंड, मतलब दोनों ही कंट्री ये आइलैंड शेयर कर रही होती है। बाकी हमारी ऑयस्टर आइलैंड और बाकी की जितनी भी आइलैंड है वो हमारी यहां पर पाई जाती है मुंबई के पास में। तो दिस इज बेसिकली यहीं पर आ जाती है ऑयस्टर आइलैंड, दिस इज ऑयस्टर आइलैंड। और यहीं पर हमारी जो दूसरी आइलैंड है क्रॉस आइलैंड, ये भी यहीं पर पाई जा रही होती है, दिस इज ऑल्सो क्रॉस आइलैंड। बस यहां पर होती है ये क्रॉस आइलैंड। यहीं पर हमारी एक और आइलैंड है जिसका नाम है एलिफेंटा आइलैंड। तो ये तीनों के तीनों एक लाइन में है और एलिफेंटा आइलैंड, यहीं पर हमारे केव्स वगैरह पाए जाते हैं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में उसको देखा था। लास्ट एक और हमारी आ जाती है कावी आइलैंड। तो ये बेसिकली केरला के पास में यहां पर है, दिस इज कावी आइलैंड। और कावी रिवर के पास में भी पाई जाती है, कावी आइलैंड हो जा रही होती है। तो लोकेशन आप लोग को जरा ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारी लोकेशन नई है, तो न्यू लोकेशन है, नए नाम है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। फटाफट देख लेते हैं इसके लोकेशन और इसके डिस्कशन के बारे में। तो कबल आइलैंड का मतलब ये हो गया कि तमिलनाडु के पास में रिवराइन आइलैंड है एंड इट इज फॉर्म्ड बाई अडियार रिवर, वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। इट इज सिचुएटेड बिटवीन चेन्नई नेबरहुड में मलप्पा मलप्पुर एंड अडियार के बीच में ये पाई जा रही होती है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जो आपके लिए है। न्यूमूर आइलैंड सिमिलरली इसी तरीके से है, वेस्ट बंगाल के पास में पाई जा रही होती है। और ये आइलैंड बेसिकली अलग अलग नामों से जानी जाती है, जैसे बांग्लादेश में इसको नाम जाना जाता है शेख मुजीब आइलैंड या फिर साउथ तालपट्टी के नाम से। इट इज अ स्मॉल अनइनहेबिटेड ऑफशोर सैंडबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, इट इज द कोस्ट ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा रीजन पे पाई जा रही होती है। इसी तरीके से क्रॉस आइलैंड होती है, क्रॉस आइलैंड के बारे में आप देख सकते हैं कि मुंबई हार्बर के पास में पाई जा रही होती है। इट इज द बिटवीन द कोस्ट एट डॉकयार्ड एंड एलिफेंटा आइलैंड, एलिफेंटा आइलैंड हम लोगों ने देखा ही है। द आइलैंड इज होस्ट टू एन ऑयल रिफाइनरी एंड सिवरल लार्ज हैज होल्डर्स। तो इस तरीके से होल्डर्स इनके पास आ जा रहे होते हैं, ऑयल रिजर्व बेसिकली यहाँ पर हो रही होती है। ऑयस्टर आइलैंड के बारे में बात करें, अगेन सेम चीज यहाँ पर भी मुंबई पे ही पाई जाएगी ये भी। हालांकि ये जो होता है इंडियन नेवी के द्वारा फोर्टिफाई करके रखा गया है, कुछ समय तक इसको नेवी का म्यूजियम भी बना के रखा गया था, बट अभी फिलहाल में उसको एक लोकेशन के रूप में रखा गया है, डिफेंस लोकेशन के रूप में रखा गया है। इसी तरीके से एक और आती है हमारी काई आइलैंड। इस आइलैंड के बारे में अगर बात करें तो देखिए केरला कोस्ट पे पाई जा रही होती है एंड इट इज कनेक्टेड टू द पयमनूर बाई अ स्मॉल ब्रिज ऑन कावी रिवर। तो इस तरीके से हमारी ये आइलैंड खत्म हो गया, आइलैंड के बारे में हम लोगों ने सब कुछ देख लिया। अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो स्टार्ट करेंगे हम लोग रिवर की सिस्टम, तो रिवर बेसिन के बारे में देखेंगे। तो कल के लिए आपके लिए लोकेशन है इंडस रिवर, झेलम रिवर, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज एंड घग्गर। तो इसको लोकेट करिएगा, इसके बारे में लिखिएगा, हम लोग कल मिलेंगे और एक ब्रॉड डिस्कशन के साथ मिलेंगे जहां पर हम अपनी पूरी रिवर डिस्कशन करेंगे, ना सिर्फ जीएस के लिए बल्कि ज्योग्राफी ऑप्शनल दोनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई डाउट होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, ज्वाइन करके आप उसको खुद अपने डाउट रेज कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।